वेलकम बैक गाइस, वीएनटेक में आपका स्वागत है और स्वागत है आपका हमारे एक और न्यू एक्साइटिंग वीडियो में। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने स्नैपचैट की हिस्ट्री देख सकते हो। जब से आपने अपना स्नैपचैट का अकाउंट बनाया है तब से आप अब तक के जो भी आपने स्नैपचैट में मैसेज किए या स्नैप डाले है वो सब आप हिस्ट्री स्नैपचैट में देख सकते हो। इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल वीएनटेक को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, जिससे हमारे चैनल की कोई भी न्यू और एक्साइटिंग वीडियो आएगी तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले अपना स्नैपचैट ओपन कर लेना है और इधर अपनी प्रोफाइल पर चले जाना है और इधर जो सेटिंग वाला ऑप्शन है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है और इधर नीचे स्क्रॉल करना है और इधर आप देख सकते हो माय डेटा वाला ऑप्शन है, इधर उसके ऊपर क्लिक करना है। तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको इधर अपनी स्नैपचैट की जो ईमेल आईडी है और जो पासवर्ड है उसकी मदद से आपको इधर लॉगिन कर लेना है। तो मैं इधर फटाफट से लॉगिन कर लेता हूँ, तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मैं जल्दी से इधर लॉगिन कर लेता हूँ। दोस्तों, मैंने इधर अपनी ईमेल और पासवर्ड डाल दिया है। अब आपको इधर लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। आपके सामने कुछ कैप्चा आएगा जो आपको फिल कर देना है, तो मैं इधर जल्दी से फिल कर देता हूँ और इधर वेरीफाई कर देना है। तो आप इधर देख सकते हो मेरा अकाउंट आसानी से लॉगिन हो गया है। आप इधर देख सकते हो माई डेटा वाला ऑप्शन इधर दिया गया है। आप इधर अपनी सब हिस्ट्री इधर देख सकते हो, इधर आपके जो लॉगिन हिस्ट्री है, आपकी स्नैप हिस्ट्री, चैट हिस्ट्री और आपकी स्टोरी की जो हिस्ट्री है वो भी आप इधर देख सकते हो। नीचे स्क्रॉल डाउन करता हो तो आप इधर देख सकते हो आप अपनी सर्च हिस्ट्री, टर्म्स हिस्ट्री और सब सब्सक्रिप्शन और इमोजी वाले जो ऑप्शन है वो सब आप इधर देख सकते हो। तो आपको इधर नीचे ऑप्शन दिया गया है सबमिट रिक्वेस्ट, उसके ऊपर क्लिक कर देना है। आप इधर देख सकते हो वी रिसीव्ड योर रिक्वेस्ट। अब यहाँ पे क्या होगा, आपकी जो स्नैपचैट की रजिस्टर्ड ईमेल है उसके ऊपर आपको एक मेल जाएगा जिसके ऊपर आप अपनी स्नैपचैट की सारी हिस्ट्री देख सकोगे। तो मैं अपनी मेल ओपन कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो आप इधर देख सकते हो मुझे स्नैपचैट की तरफ से मेल आ गया है, योर स्नैपचैट डेटा इज़ रेडी फॉर डाउनलोड। आपका स्नैपचैट डेटा डाउनलोड होने के लिए रेडी है। तो आप इधर नीचे जो लिखा है प्लीज़ क्लिक हियर टू एसेस द डेटा योर रिक्वेस्टेड, तो आपको इधर क्लिक हियर के ऊपर क्लिक कर देना है। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। आपको इधर फिर से अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड से अपना स्नैपचैट का अकाउंट लॉगिन कर लेना है। तो मैंने इधर अपने स्नैपचैट का जो ईमेल है और पासवर्ड डाल दिया है। अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। आप इधर देख सकते हो माय डेटा और नीचे जो ऑप्शन है योर डेटा इज़ रेडी, उसके नीचे आपको जो लिंक दी है वो लिंक आपको ओपन कर लेनी है। तो मैं इधर सिंपली उसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब आप इधर ऊपर देख सकते हो आपका जो डेटा है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो आपको कुछ समय के लिए वेट कर लेना है। आप इधर देख सकते हो मेरा डेटा डाउनलोड हो गया। अभी मैं इधर माय डेटा के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और इधर जो एक्सट्रैक्ट फाइल टू उसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब इधर जो भी मेरा डेटा है वो इधर एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। आपको इधर अपने फाइल में से कोई भी फाइल सिलेक्ट कर लेनी है और आपका डेटा इधर एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो आपके सामने कुछ ऐसा प्रोसेस होगा। आप इधर देख सकते हो मेरा जो डेटा है वो एक्सट्रैक्ट हो गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ। आप इधर ऊपर वाला ऑप्शन देख सकते हैं माय डेटा। अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले प्ले स्टोर पर चले जाना है और ये जो जीप फाइल है उसको ओपन करने के लिए मैं आपको बेस्ट वाला एप्लीकेशन बताऊँगा, वो आपको इधर डाउनलोड कर लेना है। तो मैं इधर प्ले स्टोर के ऊपर जो बेस्ट एप्लीकेशन है वो बता देता हूँ। आपको इधर टाइप करना है json.gini। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। आपको इधर जो दूसरा वाला एप्लीकेशन है वो आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो मैं जल्दी से एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेता हूँ, तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैं ये एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये एप्लीकेशन कोई बड़ी नहीं है, आपको 3.3 MB की मिल जाती है। तो इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। मैं आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आप वहाँ जाके भी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकोगे। तो मैं जल्दी से इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। आप इधर देख सकते हो मेरी जो जेसन एप्लीकेशन है वो इधर डाउनलोड हो गई है। अब मैं इसको सिंपली ओपन कर लेता हूँ। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। आपको इधर अग्री के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपको
इधर जो भी आपको नोटिफिकेशन मांगे वो आपको अलो कर देनी है, और इधर आपको थ्री लाइन है उसके ऊपर क्लिक करना है, और इधर ओपन जेसन फाइल उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको इधर थ्री लाइन के ऊपर क्लिक करना है, और इधर नीचे जहाँ भी आपने अपनी फाइल एक्सट्रैक्ट की है वो फाइल आपको इधर ओपन कर लेनी है। तो मैं इधर जल्दी से अपनी फाइल ओपन कर लेता हूँ। आपकी जो भी इधर फाइल है वो आप इधर देख सकते हो। आप इधर देख सकते हो टर्म्स हिस्ट्री, और इधर शॉप हिस्ट्री, स्टोरी हिस्ट्री, इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। आप इधर स्नैप हिस्ट्री भी देख सकते हो। नीचे मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो आप इधर देख सकते हो लोकेशन हिस्ट्री, सर्च हिस्ट्री, और इधर आपकी मेमोरीज हिस्ट्री भी देख जाती है। तो मैं इसके ऊपर भी क्लिक कर देता हूँ। आपको इधर जो भी हिस्ट्री आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं आप या आप देखना चाहते हैं वो आप इधर देख सकते हो, और इधर ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। आप इधर देख सकते हो आपका जो भी डेटा है आपका इधर आ जाएगा। आपका जो भी डेटा, आपकी चैट्स, आपकी स्नैप जो भी है वो आप इधर देख सकोगे। तो दोस्तों यही प्रोसेस था जिससे आप अपने स्नैपचैट का जो भी डेटा है, जो भी हिस्ट्री है वो आप इधर देख सकते हो, और इसे रिकवर करना चाहते हो तो भी आप रिकवर कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम बहुत ही करीब है हमारे टारगेट के ऊपर, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और दोस्तों मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।